पंजाबी चैनल देख रहे समूह दर्शकों का स्वागत है। बीती रात मीह और गड़ेमारी ने पंजाब के कई जिलों में तबाही मचाई, जिस नाल काफ़ी नुकसान होया। इस वीडियो गल करांगे फाजिलका जिले के पिंड जमालके धुणकियां कभाया बैखास लद्दूका और आस पास के इलाके की, जिथे पक के तैयार होए कटाई की तैयारी वाले झोने मीह और गड़ेमारी ने बुरी तरह चंबिया, जिस कारण अद्धा झोना तो खड़ा खड़ोता ही खेतों च रुल गया। किसानों की मंग है कि सरकार स्पैशल गिरदावरी करके मुआवजा देवे। आओ तुहानू दिखाउंदे हां मीह और गड़ेमारी नाल बर्बाद होए झोने दीआं तस्वीरां और सुनदे हां की कहना है किसानों का। बने रहो इस वीडियो के अंत तक। जेकर तुसी हुण तक पंजाबी चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो हुणे कर लवो और नाल दिते घंटी के बटन नूं दबा दिओ तां जो रोजाना की हर अपडेट सब तो पहलां तुहाडे तक पहुँच सके। पिंड जमालकी आपके खेत में खड़ा, मेरा तकरीबन 10 एकड़ झोना सीगा जी। सामने कैमरा ला के देखो की नुकसान आया जी। सरकार तो साड़ी यही मंग है सानू तुरंत मुआवजा दिता जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में असं कणक की बिजाई भी करनी है। तकरीबन अज सवेर का मैं जो खेत आया जी घर गया, तकरीबन साढ़े घर रोटी नहीं जी। भजन लाल लादूका एकता किसान यूनियन फाजिलका। सो साड़ी सरकार नू बेनती है भी जिस तरह लोग नरमे की सूंढी तो शिकार होए ने, उहदे नाल भी जिहड़ा रोण आउंदा है। मैं अपनी फसल सवेरे लादूका जाके वेखी है, मेरे को लगभग 3-3.5 एकड़ जमीन है, तो मैं मेरा मन ही करता से भी मैं घरे ना जावां, लेकिन उहदे नाल नाल लखे कड़ाइयां इस उपरला इलाका। मैं कई बार फोन भी आए कई साथियों के, तो जिहड़ी फसल पक के एक अद्धे दिन च मंडी जानी सी और 3200-3400 का जिहड़ा रेट सी, किसान बड़ियां आसां लाई बैठा सी और वह जिहड़ी है गड़ेमारी जिहड़ी है वह मीह ते गड़ेमारी जिहड़ा हाल किया है। चलो कुदरत नूं नहीं असी हटा सकते, पर लेकिन सरकारां जिहड़ियां अज चन्नी साहब तुहानूं महिलां च बहण की लोड़ नहीं, 8-8 करोड़ के जहाजां ते चढ़न की लोड़ नहीं, अज 1.5-1.5 करोड़ दीआं कारां ते चढ़न की लोड़ नहीं, अज दिल्ली जाण की लोड़ नहीं, अज पंजाब दे किसान दे नाल खड़ो। अज 30-35 हज़ार का जिहड़ा नुकसान होया वो पंजाब दे हर किसान का नुकसान होया, चाहे 2 एकड़ वाला है, चाहे 50 एकड़ वाला है, चाहे 40 वाला है। बेशक तुसी ये भरपाई तो नहीं कर सकते, पर किसान दी जिहड़ी है मौके ते फसल जिहड़ी पक के तबाह हो जानी, तो इस तो वड्डी जिहड़ी है होर घाटे वाली किसान दी गल नहीं रह जाती। इस वास्ते जिहड़ा ढुकवां मुआवजा की बनेगा, 5-7 हज़ार नाल चन्नी साहब गल नहीं बननी। 3200-3400 रुपये बासमती का रेट है, इंटरनेशनल मार्केट का रेट है। तो साथियों जे अज अद जिहड़ा सरपंच साहब दस रहे सी अद गया, मैं कहना तुसी नूरसमंद बैंक रस्ता उतार चलो, उत्थे 70% गया है, तो वह किसान जिहड़ा वह किसान की करेगा। आ तुहाडे सामने आ जिहड़ा किरिया पिया ते आ डिग्गिया पिया, इहदे च 25 मण भी निकलण की संभावना नहीं, जिहड़ा कि 45-50 मण की औसत हर वक्त आउंदी। इस वास्ते सरकार नूं और मेरी एडीयू साहब नाल भी सवेरे गल होई है, मैं उन्हां दे भी ध्यान दे विच लियांदी है, कल नूं असीं डीसी साहब नूं भी मिलांगे इस मसले ते। और सानूं वैसे तो उन्होंने यकीन दवाया भी असीं जिहड़ी रिपोर्ट है उपर उह शाम तक क्लीयर करांगे, पर असीं उन्हां नूं इह गल कीती है भी इस तरह क्लीयर कागजां 'च ना करो, यह ना हो भी असं फिर 2 महीने धरने लाते रहे जी तो उन्होंने चोन जाबता आ जाए तो फिर गलावा अगली सरकार से तुम मर जाओ। नहीं, मुआवजा जोड़ा है वह लगभग 15 दिनों के मिलना चाहिए, क्योंकि हफ्ता मशीन नहीं चलनी, हफ्ते बाद फिर बिजाई आ जानी है, तो जो तुम देना ही मरिया तो बाद किसानों की खुदकुशियां गिण तो बाद देना, तो फिर तुम मुआवजा रहन दिया जी। 15-16 दिन नहीं आना, जो 15-16 दिन होंगे तो असं यदा बाहरी तौर पर वड्डा एक्शन लैके तो जिहड़ा रोड जाम करांगे करांगे, फिर मरण मराउण की लड़ाई है, फिर साडे कोल तो होर चारा ही नहीं कोई, असीं तां अगे मरे पए हैं, अगे वो सूंडी वाले जिहड़े बेली है वो रोई जांदे, वो नरमा थोड़ा मरिया, उत्थे किसान मरिया, एक गिणती करदे आ नरमे की टिंडियां की गिणती करदे, चन्नी साहब अई वेख के उत्थे तुसीं किसानां की पछाण की है, जोना थोड़ा मरिया, ये तो किसान मरिया। इस तरह उत्थे हालात होए ने, इहदे नालों ज़्यादा हालात इत्थे माड़े हो गए ने। किसानां दी मुश्किलां च होर किन्ना कु वाधा होया जी? मुश्किलों बड़ा वाधा होया, अगे मोदी साहब जो 1.5 साल जो काले कानून कोरोना की आड़ च लिया के देश में पता नहीं किहड़े कुराए पाउणा चाहुंदे है,
अज जिहड़ा उत्तों कुदरत ने कुदरत नूं तां कोई रोक ही नहीं सकदा, पर सरकारां दी जिहड़ी जिम्मेवारी उह नैतिकता दे आधार ते इनसानियत नूं मुख रखदे होए अज घट्टो घट जिहड़ा 25 तों 30 हज़ार दा जिहड़ा है उह मुआवजे दा ऐलान होना चाहीदा है और फौरी तौर ते होना चाहीदा वी जिहड़ा 15 दिनां दे विच विच मिले। अगर इह लंबा पाउंदे है, महीने का पाँदे या दो का पाँदे, तो फिर असं समझ आए कि भी इन्हें नीयत में बड़ा वड्डा खोट है, ये फिर अगली आने वाली सरकार से पाउंगे जां फिर टाल मटोल करेंगे। इस तरह नरमे का रोज़ असं टैलीविजन वेखते हैं, रोज़ वेखते हैं, किसान सवेरे खुद कही जा रहा है जिंदी चन्नी साहब नाल फोटो है, वह कहिंदा मैं तीजे दिन मुआवजा जिहड़ा पवा देंगा, लेकिन अज तक उन्हां दी गिरदावरी नहीं हुई। सानू शासन और प्रशासन नूं मैं यह भी बेनती करांगा वी साफ नीयत दे नाल जिहड़ी गिरदावरी तुहानूं उह मौके जा ते करनी पैणी है, क्योंकि उहदे विच वी वड्डे कपड़ेबाजी हो जांदियां, किते मुरब्बा दूजा ते किते तीजा, किते उह गरीब फिर ना मारिया जाए। इस वास्ते जिहड़ी गिरदावरी है उह वी उचंती तौर ते, गिरदावरी दी एड्डी वड्डी लोड़ ही नहीं, गिरदावरी दा ते इक बहाना है, उह तुहाडे कोल सारा रिकॉर्ड पिया उत्थे डाटा कढ़ा कढ़ा के तुसीं जिहड़ा लोकां दे खाते पै पाओ। ਨਾਮ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 50% ਦੇ ਲਗਭਗ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਬੱਤਰਾ, ਆਪਣੇ ਲੇਡੀ ਸਰਪੰਚ, ਮੈਂ ਐਕਸ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਜਮਾਲਕੇ ਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਜੋ ਮੀਂਹ 'ਤੇ ਗੜੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ 45 ਤੋਂ 54% ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਰੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਝੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਰ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆ ਸੀਗੇ, ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਕਾਈ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਝੋਨੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਹੁਤ। ਗੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜੇ ਪਿਆ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੜੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਤੋਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੜੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਗੜਾ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਮਿੰਟ ਗੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵਜ਼ਨ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੜੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਚਾਦਰ ਵਿਛ ਗਈ ਸੀ ਚਿੱਟੀ, ਪਿੰਡ ਜਮਾਲਕੇ ਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਏਕੜ ਝੋਨਾ ਜੋ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ? ਇੱਥੇ 350 ਏਕੜ ਜਮਾਲ ਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 50 ਤੋਂ 45 ਤੋਂ 55% ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਝੋਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 55 ਤੋਂ 60 ਮਨ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਬਾਸਪਤੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ 25 ਤੋਂ 27 ਮਨ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਫਸਰ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਸਰਵਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੋਮਰਾਜ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਪਿੰਡ ਜਮਾਲਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਰਾਤ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ 50 ਤੋਂ 60% ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਰੰਤ ਇਮੀਜੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਦੌਰੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰਦੌਰੀ ਕਰੋ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪਟਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏਗਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ।